क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिक्स बल्ब है, हम लोगों के पास छह बल्ब दे दिया प्यारे बच्चों, और उस सिक्स बल्ब में से तीन इधर लग गए, तीन इधर लग गए, पार्ट ए और पार्ट बी। कहता है रेशियो ऑफ द पावर, रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, ये ई सोर्स पावर लग गया तो ये कितना कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। नहीं नहीं रेशियो ऑफ द पावर दो केस है, जब सभी ग्लो करते हैं मतलब सभी को जला दिया जाए, और दूसरे सिचुएशन में कहता है जब टू ए से, ए वाले से टू ग्लो कर रहा है, ये जो पार्ट है इससे टू ग्लो करे, और वन फ्रॉम द सेक्शन बी, ये जो सेक्शन बी है उससे वन ग्लो करे, तो दोनों में जो पावर कंजम्पशन है उसका रेशियो लेना है। तो चलो दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो दोनों पार्ट हम लोग बेसिकली आराम आराम से करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जो कह रहा है, हाँ पार्ट फर्स्ट में अगर सारे ग्लो कर रहे हैं तो ये मान लो हमें कुछ ऐसा रेजिस्टेंस, अगर किसी बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, सभी आइडेंटिकल हैं तो सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो पार्ट फर्स्ट में सारे ग्लो कर रहे हैं तो ये सर्किट हमें कुछ ऐसी दिखेगी, उसको मैं बना देता हूँ प्लस माइनस ई एम एफ ई वाली, ये वाली चीज़ बच्चों, जब सारे 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 ग्लो कर रहे हैं तो इस टाइप से कुछ सर्किट दिखेगी। चलो तो एक काम करते हैं कि अगर हम पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, दैट इज पावर, ये जो फार्मूला है वी स्क्वायर अपन आर, ये फार्मूला हम लगाते हैं बच्चों दोनों सर्किट पे कंप्लीट लगाते हैं, ठीक है, दोनों सर्किट पे पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, ये इस पे भी लगाते हैं पहले वाले केस और दूसरे वाले केस पे, फिर रेशियो ले लेते हैं, फिर काम खत्म हो जाएगा। तो आइडेंटिकल बल्ब हैं, तो आइडेंटिकल बल्ब हैं तो इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बट सबसे आसान तरीका यही है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस आर नेट इस सर्किट का हो जाएगा, बोलो इधर आ जाएगा, इन तीनों का कितना आ जाएगा, आर बाई थ्री, भाई आर बाई थ्री पैरेलल में है, पैरेलल में होते हैं, और इधर आ जाएगा आर बाई थ्री, इसका भी आ जाएगा आर बाई थ्री, तो आर बाई थ्री सीरीज में आ गए, तो आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री मतलब नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा टू आर बाई थ्री। तो पहले केस में जो पावर पी वन आ जाएगा बच्चों, पावर पी वन इस फार्मूले से, पावर पी वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ये जो वी स्क्वायर अपन आर होता है, तो ई स्क्वायर, यहाँ पे ई दिया था ई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आर दैट इज टू आर अपन थ्री। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये पहले केस का आ गया। चलो दूसरे केस का लगाओ, तो दूसरे केस में अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि दूसरे केस में दो बल्ब इससे जल रहा, एक ऐसे जल रहा, तो पार्ट टू में जो सर्किट मुझे दिखेगी वो कुछ ऐसे दिखेगी प्यारे बच्चों, ये पार्ट टू की सर्किट है और ये मुझे कुछ ऐसे दिखेगी। तो ये जो पार्ट टू है, प्लस माइनस ई, प्लस माइनस ई, ई लगा था, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है ई, तो इसमें भी नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर पावर वाला इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस आर नेट इसमें कितना आ जाएगा बोलो, ये दोनों किस में है, ये दोनों है बच्चों हम लोगों को, ये दोनों है पैरेलल में, तो इनका आ गया आर बाई टू, और ये आर बाई टू और प्लस आर सीरीज में है, दैट इज थ्री आर बाई टू, तो आ जाएगा थ्री आर बाई टू। तो पावर जो पी टू आ जाएगा दूसरे केस में बच्चों, वो आ जाएगा ई स्क्वायर ओवर आर, आर की वैल्यू थ्री आर और ये टू इधर चला गया, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब पहले केस और दूसरे केस का बच्चों पूछ रहा है कि रेशियो, तो रेशियो लेने के लिए मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को डिवाइड कर दूं, तो पहला पी वन अपन पी टू, तो पी वन कितना है इधर थ्री ई स्क्वायर अपन टू आर, और मल्टीप्लाई ये डिवाइड कर दूं, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा थ्री आर अपन टू ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर ने ई स्क्वायर कर दूंगा, आर ने आर को खत्म कर दिया, तो 9 बाई फोर मतलब 9 रेशियो 4 फाइनली इसका सोल्यूशन है, मतलब हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही है, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट, ये वाला सही है 9 रेशियो 4। चलो नेक्स्ट।